पिछले दो सालों से तरह तरह की परेशानियां झेल रहे समाजवादी लीडर आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रामपुर में मौजूद जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही प्रदेश सरकार से कहा है कि वो इस मामले में तफसीली रिपोर्ट अगले चार हफ्तों में पेश करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि रामपुर में मौजूद जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को अगले आदेश तक न तोड़ा जाए। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक नोटिस भी दिया है जिसमें इस मामले पर तफसीली जवाब मांगा है। अदालत ने इस पर जवाब देने के लिए सरकार को चार हफ्ते की मोहलत भी दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली हिदायत तक जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामेंट की इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दी है जिसमें याचिका दायर की गई थी कि जिला अदालत ने फैसले को चैलेंज किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामेंट की उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दी है जिसमें याचिकाकर्ते ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। रामपुर सेशन कोर्ट ने दो हफ्ते पहले एक आदेश में एसडी के इस फैसले पर मुहर लगा दी थी जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराने की हिदायत दी गई थी। एसडीएम ने जुलाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी लीडर आकेश सक्सेना और दीगर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये हुक्म दिया था कि इस यूनिवर्सिटी का गेट पीडब्ल्यूडी रोड पर कब्जा करके बनाया गया है, इसलिए इसे गिरा दिया जाए। साथ ही 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आजम खान पर लगाया गया था। हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में इस जुर्माने को घटाकर 1.63 करोड़ रुपए कर दिया था। इसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है और इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलट टाइम्स। मिलट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।